हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीति हा जंगल। और आज मैं व्लॉग बनाने जाने वाली हूँ वे टू दाउकी। यस, दाउकी इज़ अ वेरी फेमस टूरिस्ट प्लेस जो कि आपका पड़ता है इन शिलोंग। सो लेट्स स्टार्ट अ जर्नी। सो गाइस, एक्चुअली फॉर रीचिंग दाउकी मैंने सोचा कि एक रात गुवाहाटी में ठहर लेंगे, क्योंकि फ्रॉम गुवाहाटी इट विल बी नियर वे टू दाउकी। सो हमने एक होटल बुक करी है एंड वी गोना स्टे वन नाइट हियर एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग विल ट्रैवल फॉर द दाउकी, जो कि हमें करीब 4 घंटे 45 मिनट्स का टाइम लग सकता है, क्योंकि फ्रॉम गुवाहाटी इट इज़ अराउंड 173 किलोमीटर। तो मैंने यहाँ पे बुकिंग करी है ओयो टाउन हाउस पे एंड एज यू कैन सी द रूम इज़ वेरी क्लीन एंड कोजी एंड यस आई लव इट। सो गाइज, आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर लॉन्ग टाइम मैं थक चुकी हूँ और अब टाइम है मेरा सोने का। तो आप सबसे मैं कल मिलूँगी, ठीक है। सो गाइज, सुबह हो चुकी है और हम निकले हैं दाउकी के लिए। और यहाँ पे ऑन द वे हमें आउटस्कर्ट फ्रॉम शिलोंग हमें एक जगह मिली है जहाँ पे हम फ्रेशन अप के लिए हो चुके हैं और थोड़ा नाश्ता पानी के लिए रुके हैं। सो guys, if you visit this place way to Dauki, you can visit this restaurant. So guys, we are on the way to Dauki और on the way पे आपको ये cinematic view जो दिखाई दे रही है आपको, it's so mesmerizing। मतलब जितना आप आगे बढ़ते जाओगे उतना आपको अच्छा व्यू पॉइंट मिलेगा। आप कहीं भी ठहर के फोटोशूट भी करवा सकते हो। एंड गाइस, आपको एक से एक व्यू पॉइंट मिलेगा, चाहे यहाँ पे आप रास्ते को भी देख लो, पहाड़ों को देख लो, मीन्स ओवरऑल इट्स जस्ट फैंटाबुलस एंड लिटरली यू विल फील लाइक यू आर इन द हेवन, स्वर्ग, जन्नत। एंड ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू रीच। और यहाँ पे बहुत सारी ट्रक भी आपको देखने को मिलेगी, शायद माइनिंग का प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। गाइस, हम फाइनली आ चुके हैं दाउकी लेक पे। सो हियर इज अ व्यू। सो गाइस, दाउकी जो है ये पड़ता है आपका वेस्ट जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट में, मेघालय में। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो। और यहाँ पे बोटिंग करने का चार्जेस आवर वाइज होगा कि आपको कितना घंटा करना है बोटिंग, उस हिसाब से आपको यहाँ पे बोट वाले चार्ज करेंगे। एंड हाँ गाइस, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ पे विजिट के लिए, तो यू शुड विजिट ड्यूरिंग द मंथ फ्रॉम नवंबर से अप्रैल, क्योंकि आफ्टर अप्रैल रेनी सीजन का मौसम होता है एंड दिस वाटर विल गेट डर्टी। तो गाइस, वी आर इन द बोट एंड बोटिंग इज गोइंग ऑन एंड मैं आपको दिखाती हूँ उस तरफ रहेगा आपका बांग्लादेश बॉर्डर। तो पानी आप देख सकते हो पूरा क्लीन, लाइक ए क्रिस्टल वाटर, ऐसा पूरा पानी पे भी फोकस करिए। तो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट दिस दाउकी रिवर। ये दाउकी रिवर जो है इसका एक लोकल लैंग्वेज में और एक नाम है जो कि जाना जाता है उमगोट रिवर के नाम से। और ये आपका पड़ता है इन द विलेज माउलिनोंग विलेज, और ये आपका नियर बाय बॉर्डर में पड़ता है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास में।
और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो पानी है पूरा क्लियर क्रिस्टल वाटर है, जहाँ पे आप मछलियों का हलचल भी आपको देखने को मौका मिलेगा। और यहाँ से आपका सनसेट का व्यू भी बढ़िया आती है। आई सजेस्ट यू टू कम ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम, क्योंकि यहाँ पे सनसेट व्यू पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एंड गाइस, क्योंकि ये डाउकी रिवर पूरा क्लियर वाटर है, इसीलिए इसको एशिया का द क्लीनेस्ट रिवर माना जाता है। सो गाइस, आज का ब्लॉग इतना तक ही है, और आई होप आपको कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिला है थ्रू वाचिंग माय ब्लॉग। और आगे जाके भी आपको अगर ऐसे मज़ेदार ब्लॉग देखना है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। टिल देन टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।